ने निर्णय किया कि जाम को देखते हुए चौड़ीकरण, इस संबंध में पहले से ही अभियान चल रहा है, जंगल कौड़िया से मोतीपुर तक ये चौड़ीकरण किया जाए। बीच में मकर संक्रांति पर्व आ जाने के कारण कार्य रुक गया था। इधर जो निर्णय हुआ मंदिर प्रशासन ने, शासन प्रशासन के निर्णय के अनुसार हुआ कि इसका चौड़ीकरण कर दिया जाए। इसी को विकास की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए ये दुकानों को तोड़कर चौड़ीकरण किया जा रहा है। बीच से 11 मीटर इधर, 11 मीटर उधर, कुल 22 मीटर की जगह खाली की जा रही है। आप जानते हैं कि ये जाम की समस्या पूरे शहर में, महानगर में है। चूंकि ये सनौली रोड है, इस नाते इस पर विशेष ध्यान रखा गया कि इतना जाम हो जाता है, घंटों घंटों लोग यहाँ पर खड़े रहते थे, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी एक कार्य शुरू किया गया है। हम तो ये जानते हैं कि शासन के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये कार्य बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। उनका निर्देश है इसको जितने जल्दी कार्य हो इसको पूरा कर दिया जाए, चौड़ीकरण कर दिया जाए। ये बहुत ही अच्छा कार्य है, मंदिर प्रशासन स्वयं तोड़वा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इसमें कोई स्वेच्छा से लोग खाली करके जा रहे हैं, और यही नहीं है, हम उस पर एक वहाँ बगल में जो जगह है जहाँ को मस्जिद पर बना करके हम उन्हीं दुकानदारों को बना कर पुनः उनको रोहित का भी प्रयास करेंगे। किसी को हम ऐसा नहीं कि किसी को दुकान खाली करा कर उनको हम बेरोजगार करें, हम उन्हीं को देंगे बेरोजगारी के दूर। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये पूरे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी निजी प्रॉपर्टी को भी सरकारी कार्य के लिए उन्होंने तुड़वाया है, हटवाया है? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनका निर्देश था, इस नाते ये पहला ही कार्य किया गया है कि इसको तेजी से अपनी निजी संपत्ति, मंदिर की संपत्ति जो है वो तोड़ करके चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये दोनों तरफ हमारे दुकान दोनों तरफ तोड़ा जा रहा है।